Hi guys, welcome and welcome back to my channel. I am Pallavi and you are watching my channel Pravin Pallavi. So आज ना पहली बार मैं डे लाइट पर शूट कर रही हूँ, ठीक है। तो बाहर से अगर कोई भी बैकग्राउंड नॉइज़ आए ना तो प्लीज़ उसके लिए एडजस्ट कर लेना आप, क्योंकि दिन में शूट कर रही हूँ तो इसकी वजह से ना थोड़ा सा नॉइज़ आता ही होगा, तो प्लीज़ एडजस्ट इट। आज का वीडियो जो होने वाला है ना वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माई स्किन केयर रूटीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ। तो मेरी स्किन केयर रूटीन में ना उतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बेसिक सी चीज़ें होती है जो कि फेस वॉश, उसके बाद टोनर, उसके बाद सीरम वगैरह, उसके बाद मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। तो इतना सब कुछ ही होता है मेरे स्किन केयर रूटीन पे। तो चलिए आज वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। एंड जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और मैं एक बात बता देती हूँ कि मेरा जो स्किन टाइप है ना वो ना कॉम्बिनेशन टाइप है। मेरा ज़्यादातर तो ऑयली ही रहता है, लेकिन कभी कभी ना अभी जैसे कि मैंने फेस वॉश करके आई हूँ ना तो बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है अभी फेस मेरा, तो बहुत ड्राई लग रहा है। पता नहीं ऐसा कुछ लगाया नहीं है ना इसलिए, तो बस मैंने ना काजल वगैरह कुछ लगा लिया, थोड़ा सा लिप बम लगा लिया, लेकिन फेस पे कुछ नहीं लगाया है अभी भी। मेरा स्किन पे ना एक्ने भी है थोड़ा थोड़ा, एंड ये सारे ना बहुत सारे बड़े बड़े एक्ने होते थे पहले मुझे, तो उसका ही ना ये सब निशान है अभी मेरे स्किन पे। तो उसकी वजह से ना मैं थोड़ा सा मेरा स्किन केयर रूटीन को चेंज किया है। मैंने तो पहले कुछ भी लगा लेती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने इम्प्रूव किया है मेरा स्किन केयर रूटीन को। तो फर्स्टली ना मैं हिमालय का फेस वॉश यूज़ करती हूँ अभी भी, तो मैं बहुत दिनों से वही फेस वॉश यूज़ करती आई हूँ, मतलब मेरा टीनेज ईयर से मैं वही यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा, मैंने ना बीच में बहुत सारे अलग अलग टाइप के वैरायटी के फेस वॉश मैंने यूज़ कर लिया, लेकिन कुछ भी मेरे फेस पर ना सूट नहीं करता है हिमालय को छोड़ के, ठीक है। फिर से मैंने स्विच कर लिया हिमालय पर। तो उसके बाद जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद जो है मैं टोनर जो यूज़ करती हूँ वो है प्लम का टोनर। तो मैं ना प्लम का ये वाला टोनर यूज़ करती हूँ जो कि बहुत अच्छा है, जो कि एक्ने प्रोन स्किन के लिए ना बहुत अच्छा है। तो ये ग्रीन टी टोनर है एंड अल्कोहल फ्री टोनर है, तो अगर पिंपल्स वगैरह होते हैं ना तो ये उसके लिए अच्छा है। तो चलिए अभी मैं लगाती हूँ टोनर को। तो मेरे पास ना अभी कॉटन वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं ना ऐसे हाथ में लगा के थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ। जब मेरे पास कॉटन वगैरह कुछ नहीं होता है ना तब मैं ऐसी करती हूँ। तो अभी इसको ना थोड़ी देर रहना पड़ेगा सूखने के लिए, 3 सेकंड्स में सूख जाते हैं, वे सूख भी गया है ऑलरेडी। तो इसके बाद जो मैं अप्लाई करती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा टाइम लेती हूँ, उसके बाद मैं सीरम यूज़ करती हूँ जो कि एक दिन छोड़ के या फिर 2 दिन छोड़ के, क्योंकि ना मेरा जो सीरम वगैरह होता है ना उसमें ना ऐसे स्पेसिफिक जो एसिड वगैरह होते हैं वो होते हैं। लाइक इसमें जो है मैं यहाँ पे मिनिमलिस्ट का ये सीरम यूज़ करती हूँ जिसमें सैलिसिलिक एसिड है, ठीक है, 0.2% सैलिसिलिक एसिड है इसमें। तो ये वाला मैं यूज़ करती हूँ ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स एंड ब्लेमिशेस, इन सब के लिए ये मैं यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अब भी अगर सेम प्रॉब्लम है ना, लाइक यहाँ पे ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं, वाइट हेड्स वगैरह होते हैं, तो फिर आप ना इसको यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत काम की चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अचानक से 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं होता है। आपको इसको ना रेगुलरली यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आप 3-4 महीने तक आप इसको यूज़ करके देखो, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सो उसके बाद ना मैं ये वाला यूज़ करूँगी। तो मैं और भी एक सीरम यूज़ करती हूँ जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो है ना प्लम का नाइसिनामाइड सीरम, ये भी मैं यूज़ करती हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। ये राइस वाला वाटर जो होता है ना वो उसी का सीरम है, बहुत अच्छा है ये वाला। तो इसको ना मैं ज़्यादातर ना रात को ही प्रेफर करती हूँ लगाना। तो जब भी ना आप ऐसे टाइप के सीरम वगैरह लगाते हो तो हमेशा याद रखना कि सनस्क्रीन लगाना ही होगा, ठीक है, सनस्क्रीन इज़ मस्ट। तो टाइप के सीरम अगर कुछ भी उनमें एसिड वगैरह कुछ भी है तो सनस्क्रीन लगाना इज़ वेरी मस्ट, क्योंकि आपके स्किन ना मतलब बर्न हो सकता है अगर सनस्क्रीन ना लगा के आप बाहर जाओगे, ठीक है। तो फिर आपको ना सनस्क्रीन लगाना ही पड़ेगा, सो माइंड इट। तो उसके बाद ना मैं लगा रही हूँ ये वाला सीरम। तो चलिए ज़्यादा नहीं, बस 1-2 ड्रॉप। सो अभी ना मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। सो दैट्स इट, मेरा
सीरम लगाना हो गया है, अभी इसको थोड़ा सा ड्राई होना। तो बहुत ही अच्छा सीरम है, बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। मेरा ना पहले बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स था, बहुत ज़्यादा व्हाइट हेड्स था, स्पेशली बहुत ज़्यादा व्हाइट हेड्स था नोज़ पे, लेकिन अभी ना बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अभी ना 2% ही बचे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा होते थे, स्पेशली नोज़ पे मेरे। दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही काम का चीज़ है। अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम है ना, तो आप इसको यूज़ करके देख सकते हो। तो अगर रिजल्ट मिले तो ज़रूर मुझे बताना। तो अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो इसके बाद जो स्टेप आता है वो है मॉइस्चराइज़र का। तो मेरे पास ना दो ऑप्शंस हैं मॉइस्चराइज़र में, तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। तो एक है पॉन्ड्स का ये लाइट मॉइस्चराइज़र, जो कि बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड मॉइस्चराइज़र है, समर के लिए बहुत अच्छा है, नॉन ग्रेसी है, तो ये आपकी स्किन को ना ऑयली नहीं बनाता है, बहुत ही अच्छी बात है ये। तो क्योंकि ना मेरा स्किन जो है ना वो कॉम्बिनेशन टाइप है, मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा ड्राई लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ना बहुत ज़्यादा ऑयल क्रीज करता है मेरा स्किन, ठीक है। तो उसके लिए ना ये मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि उतना ज़्यादा ऑयल प्रोवाइड नहीं करता है इसमें। तो फिर और इसके बाद जो मेरे पास और एक ऑप्शन है वो है बायोटिक का ये वाला मॉइस्चराइज़र। ये भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऑयल टाइप मॉइस्चराइज़र है। तो अगर आप इसको लगाओगे ना, दिन में लगाओगे ना, बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा, मतलब ऑयली ऑयली हो जाएगा आपका फेस। तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो, अगर समर में कहीं पे बाहर जा रहे हो दिन में, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आज मैं यही वाला यूज़ करूँगी। सोना बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, स्मेल सो गुड, सो फ्रेश। बहुत ही अच्छा है ये ना, थोड़ी ही देर में ना एब्जॉर्ब हो जाएगा वो एकदम। सो मुझे ना ये वाला मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बायोटिक का भी मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा पसंद है, वो ना मैं ज़्यादातर रात को लगा लेती हूँ, ठीक है। और विंटर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, बहुत ही अच्छा है। सो दैट्स इट, मेरा मॉइस्चराइज़र भी लगाना हो गया है। अभी ये थोड़ी देर में एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। तो उसके बाद जो मैं हमारी बारी आएगी वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, वो है सनस्क्रीन। तो जैसे कि समर में आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप घर पे ही रहो, चाहे आप बाहर ना जाओ, तब भी आपको सनस्क्रीन लगाना ही चाहिए, क्योंकि ना सन जो होता है वो हमारे रूम तक आ जाता है, ठीक है। तो आपको सनस्क्रीन लगाना ही चाहिए। तो उसके बाद जो मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ वो है मिनिमलिस्ट का ये वाला सनस्क्रीन, आप देख सकते हो। तो ना सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगी, आप लोग पास से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये रहा ये वाला सनस्क्रीन है, ये बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है। मैं इससे पहले मामा अर्थ का सनस्क्रीन यूज़ करती थी, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी इसको ना मैं नई जस्ट ट्राई कर रही थी, तो ये भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो ना आपको ज़्यादा ज़्यादा ही लगाना पड़ता है सनस्क्रीन, और ये ना बिल्कुल वाइट कास्ट नहीं देता है। डोंट फॉरगेट योर नेक, आपके नेक पर भी आपको सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए हमेशा ही। आपको ना हर जगह पे सनस्क्रीन लगाना चाहिए, लाइक हैंड वगैरह पे। दैट्स इट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये वाला सनस्क्रीन लगाना, वेरी इम्पॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट। सो दैट्स इट फॉर आवर स्किन, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हेल्दी एंड ग्लोइंग लग रहा है अभी स्किन। पहले तो बहुत ज़्यादा डल लग रहा था, अभी देखिए बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग स्किन लग रहा है। तो बहुत ही अच्छा है, आपको ना ऐसे ही अपना स्किन केयर रूटीन मतलब प्रिपेयर करना चाहिए। मैं ना पहले कुछ भी नहीं करती थी, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ, तो अभी ऐसे करना चाहिए। एंड लास्टली, डोंट फॉरगेट टू मॉइस्चराइज योर लिप, ओके। तो समर में ना कभी कभी ऐसे होते हैं कि होंठ बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, ठीक है, ड्राइनेस आ रही है होंठ में, बहुत ज़्यादा पीलिंग हो रही है, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा ये बेबी लिप्स लगा रही हूँ, ताकि ये थोड़ा सा मॉइस्चराइज रहे, नरिश रहे। तो बहुत ही अच्छा, मैंने पहले भी ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा लगा लिया था, अभी भी लगा रही हूँ। सो
बहुत ही अच्छा है ये, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखता है आपके लिप्स को, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, तो आपको ये तो ज़रूर रखना चाहिए। सो गर्ल्स दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो कैसा लगा मेरा स्किन केयर रूटीन आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं इंस्टाग्राम के भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।